नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी वेट्स राइटर के बारे में बताऊंगी। ये द एलिजाबेथन एज का एक टॉपिक है, एलिजाबेथन ड्रामे से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। द यूनिवर्सिटी वेट्स इज़ अ फ्रेज यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइटर एंड पैम्फल्टर्स हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी वेट्स एक फ्रेज है, एक नाम है, जो इंग्लिश प्ले राइटर और पैम्फल्टर्स थे 16th सेंचुरी में, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। ये मीन्स यूनिवर्सिटी वेट्स राइटर है जो, ये उन 7 लोगों का ग्रुप था जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। इट कुड बी परहेप्स बी क्लेम्ड दैट दे वर द फर्स्ट टू एसोसिएट इंग्लिश ड्रामा परमानेंटली विद लिटरेचर। ये वो थे जिन्होंने इंग्लिश ड्रामा को परमानेंटली कनेक्ट किया था लिटरेचर से, एलिजाबेथन ड्रामे में, ठीक है। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पिली, थॉमस नेज, थॉमस लॉर्ज, थॉमस किड एंड क्रिस्टोफर मार्लो। इस ग्रुप में 7 राइटर थे, ठीक है, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पिली, थॉमस नेश, थॉमस लॉर्ज, थॉमस किड एंड क्रिस्टोफर मार्लो। ओके, और इसमें जो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और जो थॉमस नेश थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, ठीक है। और बचे जॉन लिली, थॉमस लॉर्ज, जॉर्ज पिली, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। लेकिन जो थॉमस किड हैं इसमें, ये ऐसे राइटर थे जो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे, फिर भी इनको यूनिवर्सिटी विट्स में इनका नाम लिया जाता है, ठीक है। जो अब आते हैं फर्स्ट राइटर पे, जॉन लिली, इनका टाइम ड्यूरेशन है 1554 टू 1606। इनका जन्म 1554 में हुआ और मृत्यु 1606 में हुई, ठीक है। जॉन लिली इज़ अ यूनिवर्सिटी वेट्स, ही इज़ एन इंग्लिश राइटर, अ पोइट, अ ड्रामेटिस्ट, अ प्लेराइट एंड अ पॉलिटिशियन, ठीक है। ये पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, प्लेराइट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। ही इंट्रोड्यूस अस विद द एलिमेंट ऑफ रोमांटिज्म इन द एलिजाबेथन ड्रामा। ये ऐसे राइटर थे जिन्होंने एलिजाबेथन ड्रामे में रोमांटिसिज्म का यूज़ किया था। ही डेवलप्ड अ लिटरेरी स्टाइल कॉल्ड यूफिज्म। आफ्टर हिज सक्सेस विद यूफियस, मोस्ट ऑफ हिज प्ले वर पेस्टोरल कॉमेडी। ही इज़ मेनली फेमस फॉर हिज टू राइटिंग, क्या है वो, यूफियस एंड द एनाटॉमी ऑफ विट। इनका जो लिटरेरी स्टाइल था वो यूफियमिज्म था। आफ्टर हिज सक्सेस विद यूफियस, यूफियस इन्होंने लिखा था रोजर एस्केम की स्कूल मास्टर से, जिसमें यूफियस एक स्टूडेंट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ हिज प्ले वर पेस्टोरल कॉमेडी, उनके अधिकतर प्ले पेस्टोरल मीन्स होता है देहाती, मतलब कि देहाती कॉमेडी टाइप हैं। ही इज़ मेनली फेमस फॉर हिज टू राइटिंग यूफियस एंड द एनाटॉमी ऑफ विट। यूफियस लिखा था इन्होंने 1579 में और द एनाटॉमी ऑफ विट्स लिखा था 1578 में। नेक्स्ट है जॉर्ज पिली, 1558 टू 1598 इनका टाइम ड्यूरेशन है। जॉर्ज पिल इज अ यूनिवर्सिटी वेट्स, ही वाज आल्सो एन इंग्लिश ट्रांसलेटर, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। ही रोट रोमांटिक कॉमेडी, क्रॉनिकल प्ले, एलगरी एंड सटायर। हिज मेन प्लेज आर डेविड एंड बैथसेबे, 1599 में लिखा था, इट इज़ अ लव स्टोरी थी। नेक्स्ट थी अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, 1584 में लिखा था और ये एक पेस्टोरल कॉमेडी थी। नेक्स्ट है द ओल्ड वाइफ्स टेल, 1595 में लिखा था, इट इज़ अ पोलिटिकल सटायर, ये एक पोलिटिकल सटायर था। और इनकी ये एक बहुत ही, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले था, द ओल्ड वाइफ्स टेल। नेक्स्ट है द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड, ये लिखा था इन्होंने 1593 में। दिस इज़ क्रॉनिकल हिस्ट्री इज़ एन एडवांस ऑन द ओल्ड क्रॉनिकल प्लेज एंड मार्क्स अ स्टेप टुवर्ड द शेक्सपियरन हिस्टोरिकल ड्रामा। नेक्स्ट है रॉबर्ट ग्रीन, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है 1558 टू 1592।
Robert Greene is also a university wits. He is better known for his autobiographical phrase. ठीक है. He also wrote pastoral and romantic comedy. इन्होंने देहाती और romantic comedy भी बहुत लिखी हैं. Okay. His best product among are Ferrier Bacon and Ferrier Bungee, जो इन्होंने 1589 में लिखा था. और इनको फेरियर बेकन और फेरियर बंजी के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. स्टेज प्ले था और ये एक कॉमेडी टाइप प्ले था. ठीक है. इट्स वाइडली रिगार्डेड एज ग्रीन्स बेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट प्ले. इट हैज़ रिसीव्ड मोर क्रिटिकल अटेंशन देन एनी अदर ऑफ ग्रीन्स ड्रामा. जो इसका ये प्ले था फेरियर बंजी और फेरियर बेकन, इस प्ले से इसको, ये एक कॉमेडी टाइप प्ले था. ठीक है. इसकी वजह से इसको बहुत अटेंशन मिली थी बाकी और ड्रामे से, मतलब कि इस प्ले को बहुत ही अच्छा समझा गया था. इसी की वजह से इसकी इसको बहुत अटेंशन मिली थी. ठीक है. हिज अदर राइटिंग्स आर, इसकी अदर राइटिंग हैं अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, इट इज़ अ एलिजाबेथन इरा स्टेज प्ले. ठीक है. इट इज़ अ जॉइंट पब्लिकेशन बाय थॉमस लॉर्ड्स एंड रॉबर्ट ग्रीन. इसके और जो ये प्ले हैं किंग ऑफ आर्गन एंड ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो, इसको इस नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है थॉमस किड. इसका टाइम ड्यूरेशन है 1557 टू 1595. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट अमोंग द प्री शेक्सपियरन. He was the founder of romantic tragedy. He completely followed the revenge tradition of Latin dramatist and wrote the famous play The Spanish Tragedy 1585. He borrowed the scene of horror, murder and frenzy from Senza play. His horrific plot involving murder, frenzy and sudden death gave his play and great and लास्टिंग पॉपुलैरिटी. इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है वो है द स्पेनिश ट्रेजेडी, 1585 में लिखी थी इन्होंने. और इन्होंने इसमें जैसे सीन ऑफ हॉरर, मर्डर, फ्रेंजी, इन सब का यूज़ किया है. इनको इन्होंने लैटिन से, मतलब कि जो लैटिन ट्रेडिशन में यूज़ किए जाते थे, उनसे अडोप्ट करके इन सब चीज़ को अपने अपनी क्रिएशन में, अपने प्लेज में इन्होंने इसको यूज़ किया है. ठीक है. ही इज़ अ पियोनर ऑफ मेलोड्रामा. मेलोड्रामा का जन्मदाता भी कहा जाता है. हिज अदर सर्वाइविंग प्ले आर द हाउस होल्डर फिलोसफी 1588 में लिखी थी, कॉर्निलिया 1594 में, और सोलिमन एंड परसीडा लिखी थी इन्होंने. द मर्डर ऑफ जॉन ब्रिवेन 1592 में लिखी थी. और इनकी एक क्रिएशन है, प्ले है एडवर्ड थर्ड, भी इन्होंने ही लिखा था. चलते हैं अपने नेक्स्ट राइटर की तरफ, थॉमस नैश. इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1567 टू 1601. ठीक है. ही वॉज़ अ फेमस फॉर हिज समर्स लास्ट विल एंड टेस्टमेंट अ सटायरिकल मॉस्को. ही टुक एन एक्टिव पार्ट इन द पोलिटिकल एंड पर्सनल क्वेश्चन ऑफ द डे. हिज अनफॉर्चुनेट ट्रेवल 1594, उनका एक प्ले है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवल 1594 में उन्होंने लिखा था. और द लाइफ ऑफ जैक मिल्टन भी इन्होंने लिखा था. अ प्रोज टेल, प्रोज टाइप में है ये. इज़ इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉवल, और ये एक नॉवल है. ठीक है. चलते हैं अपने नेक्स्ट राइटर की तरफ, क्रिस्टोफर मार्लो, 1564 टू 1593. देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर थे जो हमारे, उनका जो जन्म हुआ था इन दोनों का सेम ईयर में हुआ था. 1564 में ही क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म हुआ था और 1564 में ही विलियम शेक्सपियर का भी जन्म हुआ था. ठीक है. देखिए, अगर हमें इन सब की बायोग्राफी ना पता हो तो सिर्फ हम इन सब की जो इनकी राइटिंग थी, ठीक है, इनके प्ले, ड्रामा, इन सब के बारे में भी लिख सकते हैं कि इस राइटर ने ये चीज़ लिखी थी, उस पर भी हमें नंबर मिल जाएंगे. ठीक है. तो चलिए क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जान लेते हैं.
द मोस्ट स्ट्राइकिंग पर्सनैलिटी एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रामेटिस्ट बिफोर शेक्सपियर अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स वॉज क्रिस्टोफर मार्लो. ठीक है, ही मे बी रिगार्डेड एज ट्रू फाउंडर ऑफ इंग्लिश ड्रामा. ठीक है, ही क्रिएटेड क्या लिख रहा है, जेन्युइन ब्लैक वर्ड्स एंड फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इज एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ पोएटिक ड्रामा. ही फाउंडेड इंग्लिश रोमांटिक ट्रेजेडी एंड रोट द फर्स्ट इंग्लिश हिस्ट्री प्ले. ही हैड बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री. ही वाइटलाइज्ड द मैनर एंड मैटर ऑफ ड्रामा थ्रू हिज कैरेक्टराइजेशन. ही क्लैरिफाइड एंड गेव कोहेरेंस ऑफ ड्रामा थ्रू हिज वर्ड्स. वी फाइंड द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्लोज वर्क. ठीक है, मतलब मार्लो के जो और वर्क हैं वो हैं पिक्टोरियल क्वालिटी, मतलब इन पर बेस्ड हैं, एस्थेटिक क्वालिटी, वाइटलाइजिंग एनर्जी. पिक्टोरियल क्वालिटी क्या होती है, मतलब कि अगर हम किसी प्ले को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हम वहीं पर हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं. ठीक है, वाइटलाइजिंग एनर्जी पर बेस्ड थे इनके सारे प्ले, और इनकी एक क्रिएशन थी डॉक्टर फास्टस 1592 में लिखी थी, ट्रेजेडी थी बाय मार्लो. ठीक है, और उनकी जो नेक्स्ट मतलब और प्ले थे वो थे टैम्ब्यूर लेन द ग्रेट 1587 में लिखी थी, द ज्यू ऑफ माल्टा 1589 में लिखी थी, डॉक्टर फास्टस 1592 में लिखी थी, और एडवर्ड सेकंड लिखे थे 1591 में. फ्रेंड्स, जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, मतलब ये तो बता दिया कि उनका और विलियम शेक्सपियर का जन्म एक ही ईयर में होता, 1564 में. ठीक है, और जो ये थे क्रिस्टोफर मार्लो थे, उन्होंने, उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है. ठीक है, उन्होंने ही स्टार्ट किया था कि इंग्लिश पोइट्री में ड्रामा क्रिएट करना, मतलब ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिखा भी हुआ था, देख लेना आप कहाँ पर लिखा है. ठीक है, और उनको इंग्लिश रोमांटिक ट्रेजेडी का फाउंडर भी कहा जाता है. ठीक है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक करना अगर पसंद आई हो, और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स भी इसे देखें तो आप शेयर भी ज़रूर कर देना. लास्ट पे रहा है, और ऑल पोट्री हीरोज़ हु पैशनेटली सीक पावर, द पावर ऑफ रूल, पावर ऑफ मनी एंड पावर ऑफ नॉलेज. ठीक है, उनके सारे प्लेज में जो उनमें हीरोज़ होते हैं उनमें नॉलेज आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, मार्लो प्रेजेंटेड लाइफ लाइक कैरेक्टर विद विगर एंड फायर. ही वाज अ मॉर्निंग स्टार ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा. उनको ठीक है मॉर्निंग स्टार कहा जाता है एलिजाबेथन ड्रामा का. एंड ईच वन ऑफ हिज ट्रेजेडी रिफ्लेक्ट द रेनेसांस स्पिरिट. के फ्रेंड्स, ये था हमारा यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर. अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. थैंक यू.